विधान परिषद की नागपुर सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना कांग्रेस राकपा की महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका दिया है। विधान परिषद की नागपुर स्थानीय निकाय संस्था सीट के लिए चुनाव के परिणाम आज घोषित किए गए, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए भारी मतों से विजय हुए। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुए के विधान परिषद चुनाव जीतने के बाद विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने बावनकुए को जीत की विजयमाला पहनाने के बाद चंद्रशेखर बावनकुए भावुक हो गए। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक चंद्रशेखर बावनकुए से हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने बातचीत की है, आइए डालते हैं एक नजर। विधान परिषद नवनिर्वाचित विधायक चंद्रशेखर बावनकुए हमारे साथ है। सर, क्या बताओगे, विधान परिषद चुनाव हुए जिसके बाद जो आपने ये नामांकन दर्ज किया, उसके बाद जो पॉलिटिकल ड्रामा हमें देखने मिला कांग्रेस की ओर से, उसके बाद आज का दिन है, क्या बताओगे ये पूरा सफर? कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से चुनाव में पार्टी से बड़े बताकर पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, नेताओं ने उम्मीदवार बदलने का प्रयास किया और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के मतदार और कार्यकर्ता नाराज थे, इसलिए मुझे 44 वोट ज़्यादा मिले हैं और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा आत्मचिंतन करने का समय है। हमने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोली जी को हदबल देखा है, उनको बहुत गरीबी से देखा है कि वो छोटा मुंह करके खड़े थे, दो मंत्री उन पर दबाव बना रहे थे। मैंने महाराष्ट्र के राजनीति में ऐसा दिन कभी देखा नहीं कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक मंत्रियों के सामने घुटने टेक देता है और उम्मीदवार को बदल देता है, ये बहुत शर्मनाक बाब है। और कल का ही स्टेटमेंट है पटोली जी का कि हमने जो चुनाव थे ये सिर्फ जीतने के लिए लड़े हैं, ना कि उम्मीदवार को जो है चुनाव में उतारने के लिए। तो आपको दिखा है कि 44 मत वोट कांग्रेस को नहीं मिले, उनके पार्टी के वोट हमको मिले, ये तो नतीजा है ना, जिस प्रकार से उन्होंने ये गेम किया। और एक पार्टी के नेता को कांग्रेस में लाना, उसको टिकट देना और बाद में उसको डमी करना, ये बहुत घातक है। रणनीति किस तरह हो गया, क्योंकि मनपा के चुनाव आने वाले हैं? हम इसके बाद सारे चुनाव जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे। तो हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक चंद्रशेखर बावनकुए थे और उन्होंने बताया कि ये जीत का सफर जो था ये ऐतिहासिक था। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।